ग्वालियर के थाटीपुर थाना इलाके में गायत्री विहार कॉलोनी में फायरिंग की घटना सामने आई है, जहां पड़ोसियों में हुए विवाद के बाद एक पड़ोसी ने दूसरे पर जान लेने की नियत से लाइसेंसी हथियार से फायरिंग की। फायरिंग के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बताते इस क्षेत्र में कई कोचिंग सेंटर भी है, इसलिए छात्र छात्राओं की आवाजाही अधिक रहती है। गनीमत रही कि बड़ा हादसा नहीं हुआ। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी सोनू को गिरफ्तार कर लिया। क्राइम ब्रांच के एडिशनल एसपी राजेश दंदौटिया ने बताया कि आरोपी ब्रज किशोर पिछले कई दिनों से झगड़ा कर रहा था। महिलाओं से भी अभद्रता की गई। जब विवाद बढ़ा तो पड़ोसी की जान लेने की नियत से फायरिंग कर दी गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया और घटना में प्रयुक्त पिस्टल भी बरामद कर ली गई है। थाना थाटीपुर के अंतर्गत गायत्री विहार में एक फायरिंग की घटना हुई है, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा अपने पड़ोसी को ही जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई थी। इससे वो बच गया और उसके बाद ये आरोपी भाग गया। तो इस आधार पर फरियादी के द्वारा, जो कि कोचिंग चलाता है, उसके द्वारा अभी थाना थाटीपुर में FIR की जा रही है और फरियादी आरोपी के लिए टीम रवाना हो गई थी, जिससे आरोपी को अभी फिलहाल हिरासत में ले लिया है। और जो 32 बोर की पिस्टल है, उसके पास लाइसेंस थी, उससे उसके द्वारा फायर किया गया था, तो वो पिस्टल भी मिल गई है। अब उसके खिलाफ IP सेक्शन 307 की कायमी की जाकर उसको अरेस्टिंग की जाएगी।